आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और जो मैंने आपको कल पढ़ाया वो आपको समझ में गया होगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपने सॉल्व किया होगा, और जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है वो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने कल, ताश की एक गड्ढी में से एक पत्ता छह। अब डाइस के अंदर दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है।
जब बासे को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार फेंकने पर गोल परिणाम कितने होते हैं? छह। और जब बासे को कितनी बार फेंका जाता है? दो बार। तो गोल परिणाम कितने होते हैं? 36। कितने होते हैं? 36। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है कि उसमें बोला क्या है, पासे को एक बार फेंकना है या दो बार फेंकना है। एक बार फेंकना है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। और जब पासे को कितनी बार फेंकना है? दो बार फेंकना है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। 36। इसमें कौन कौन से परिणाम होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। या फिर क्या है कुल परिणाम? कब? जब पासे को एक बार फेंका जाता है। जब पासे को दो बार फेंका जाता है, दो बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होता है? 36। जैसे 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। ऐसे 2-1, 2-2, इसके हो गए। फिर 3-1, 3-2, ये फिर 4-1, 4-2, 4-3, ऐसे करके आगे 5-1, 5-2, फिर 6-1, 6-2 आगे। टोटल कितने हो गए? 6, 6-12, 6-18, 6-24, 6-36, 6-36। टोटल परिणाम कितना हो जाएगा इसके अंदर? 36। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक, जब पासा कितनी बार फेंका जाता है? एक बार, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। जब पासा फेंका जाता है दो बार तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। जैसे आपने पासे को दोनों पासों को फेंका या एक पासे को दो बार फेंका, तो उसमें क्या आ सकता है? इनमें से कुछ भी आ सकता है। पहले वाले पे मान लो एक आ गया, दूसरे वाले पे एक आ गया, तो ये आपका परिणाम हो गया। मान लो पहले वाले पे 4 आ गया और दूसरे वाले पे 2 आ गया, तो ये रहा आपका परिणाम। तो ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं? 6 परिणाम हो सकते हैं। 36। जब पासे को दो बार फेंका जाता है और जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो परिणाम कितने होते हैं? 6। जो आपके सामने ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्वेश्चन को देखना है। उसने पूछा क्या है? पासे को एक बार फेंकना है कि दो बार फेंकना है? एक बार फेंकना है तो परिणाम 6, दो बार फेंकना है तो 36। अब अपन बात करते हैं पहले जब पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जब पासे को एक बार फेंका जाता है, क्वेश्चन क्या है? एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर। क्वेश्चन क्या है? एक पासे को कितनी बार फेंकना है? एक बार। तो एक बार पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो सबसे पहले आप आंसर स्टार्ट करो, यहां से क्या आ जाएगा? कुल परिणाम कितने आएंगे? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। कुल परिणाम हो गए 6। अब अपन बात करते हैं किसकी? अनुकूल परिणाम की। और मैंने बताया था आपको कि अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जो दो से डिविजिबल होती है, जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो वो कौन सी है? 2, 4 और 6। तो कितनी हुई? 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। कुल परिणाम कितने हुए? 6। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। फॉर्मूला क्या होता है? सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए इसके अंदर? 3। और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कट आउट करोगे तो 1/2। ये क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6,
अब सेकंड बात आती है अनुकूल परिणाम, तो वो अपने को कहां से पता चलेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्या पूछा है? सम संख्या आने की प्रायिक था, तो सम संख्या क्या होती है? जो दो से विभाजित होती है, दो चार और छह, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? तीन, कुल कितने हुए? छह। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या आता है आपका? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? तीन, कुल परिणाम कितने हैं? छह। किसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आपको वो सॉल्व करना है, तो ठीक है। एक पासे को एक बार कहकर मैंने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल परिणाम आपको पता ही कितने हैं? अनुकूल परिणाम आपको पता करना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्या है जिनमें केवल खुद से भाग जाता है, दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जो केवल खुद से डिविजिबल होती है वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको पता करनी है कितनी है, वो आपके होंगे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम आपको पता ही है, डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने आप से सॉल्व करोगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कल। थैंक यू।